जी मैम, यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स आया, फॉर द यूज विथ आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग लीनियर यूनिट इंसर्ट यूनिट शुड बी सेट टू इंचेज। देखो सर, अब अगर मैम आप इंच करोगे तो आपको वहां जी पर वो फिट ले रहा है, लेकिन आपको जब वो डायमेंशन शो करता है तो वहां पर वो आपको इंचेस शो कर रहा है। मैम, आप यदि सेंटीमीटर एमएम की बात हो तब तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करके या 100 से मल्टीप्लाई करके काम हो जाए, लेकिन यहाँ पे 1 फुट इक्वल टू 12 इंच होता है, तो फिर बाद में उसमें काफ़ी दिक्कत आएगी। कोई दिक्कत नहीं आती सर, इंचेस में हम काम कर सकते हैं। अगर हम फिट में काम करेंगे तो हमें दिक्कत आती है। फिट में दिक्कत आती है, ओके, इंचेज अगर आप में फिट दिक्कत। रहेंगे ऊंचाई तो मैम अभी तक आपको, काम आप जी देखिए, अगर आपने फिट लिया है, आप घर का नक्शा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, आप अपना लेआउट जी बना रहे हैं, आपका हर रूम 10, 20, 30, 12 एग्जिट पोजीशन पे तो नहीं होगा। कोई आपकी नहीं डायमेंशन है। निकलेगी 8 फिट बाय 6 इंच, 8 फिट बाय 4 इंच, लेकिन फिर आप 4 इंच को कैसे इंडिकेट करेंगे? मैम बात वो सिर्फ सही है फिट को एक्सेप्ट आपकी। करेगा, वो सिर्फ फिट को एक्सेप्ट करेगा, वो इंचेस को नहीं लेगा उस केसेस में। तो इसीलिए आप, मेरे ख्याल से आप 2015 या 16 के अबव कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो वहां पर ये केस आ ही चुका है कि आप जो सेट करेंगे यूनिट को, वो आपको इंचेस ही लेना पड़ेगा, फिट पे काम नहीं कर सकते। हाँ क्योंकि मैम, जब हम, एक थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ पूछूंगा। हाँ हम सभी तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं, तो ज़्यादातर जो मेजरमेंट है वो मीटर सेंटीमीटर वगैरह में ही हमें समझ में अच्छा आता है। जी, तो आप मीटर सेंटीमीटर करिए, कोई इश्यू नहीं है। पहले अच्छा, लेकिन जो आपको सिविली यूनिट वाले जो में उसको दोनों, सर ऐसा कुछ नहीं है, सिविल वाल, मैं सिविल की हूँ, मैं इंटीरियर करती हूँ, तो मैं भी मीटर सेंटीमीटर में ही काम करती हूँ। अब कभी क्या होता है कि आपका क्लाइंट, अगर आपका क्लाइंट का काम कोई फिट इंचेस में, तो एटलीस्ट आप ड्राइंग को रीड कर सकते हो, तो इसलिए आपको फिट इंच का कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। आप रीड नहीं कर पाओगे फाइल को फिट इंचेस की, फिर आप कैसे काम करोगे? जी, तो इसीलिए मैंने मैम आपको दोनों सेट, जैसे जी, अब मैम जैसे यदि मैं एग्जांपल फिर से उठाऊं तो मुझे 40 फुट बाई 60 फुट का जो मेरा घर का जो है वो बनाना है, तो उसके लिए क्या मैं इसको पहले इंचेस में कन्वर्ट करूं? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर, जी हो रही है मैम। मैंने स्टार्ट कर रही हूँ ड्राइंग को। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने जेड एंटर एंटर किया, ताकि मेरी स्क्रीन ज्यादा जूम ना हो, ज्यादा जूम आउट ना हो, ठीक है। कभी कभी हम बनाते हैं बहुत छोटा बनता है, कभी कभी बहुत बड़ा बन जाता है। तो अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले यूनिट सेट किया, यूनिट सेट करने के बाद मेरा आर्किटेक्चर है एंड मेरा प्रिसिशन वैल्यू, मैंने 1.5 0 बाय 0 ले लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया इंचेस, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया ओके। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ 40 फिट बाय, कितना साठ बोला फीट आपने, 60 फीट 60 फीट 60 फीट 60 फीट। 40 फिट बाय 60 फिट, तो यहाँ पर मैंने 40 फिट किया है सर। फ्रंट है, क्या है, डेप्थ है, हाँ मैम, जो ईस्ट साइड वाली जो लंबाई है ये 60 रहेगी, और साउथ की तरफ है वो 40 रहेगी। विड्थ 40। नॉर्थ के आपका 60 है, क्या है, हाँ साउथ से नॉर्थ जाएंगे तो 60। 60 है, क्योंकि This is our YouTube channel. If you like this video, please subscribe our channel and press the bell icon. And this is our website germanyarchitecture.com. And these are the courses we are provide trainings on the software as well as interior designing architectural diploma. हम नॉर्थ पे बात करते हैं पहले। ये देखिए, ठीक है, ये मेरा नॉर्थ पोजीशन है, दिख रहा हाँ होगा मैम, आपको, एक बार दिस इज नॉर्थ। इसको 90 डिग्री पे से मैम इसको रोटेट कर दीजिए। एक्चुअली जब भी हम डिजाइन बनाते हैं तो हमारा नॉर्थ जो है वो नीचे की तरफ बनता है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि मैं लेआउट जब बना रही हूँ अपना, तो हम इस तरह से डायरेक्शन लेते हैं, दिस इज माय नॉर्थ, और नॉर्थ हमारा ये है, तो मैं यहाँ पर लेके काम करूंगी, लेकिन आप कह रहे रोटेट करना, तो मैं रोटेट कर देती हूँ, तो फिर वहां पर हमारा ठीक है सर।
यस मैम, सबसे ये पहले करेक्ट। अगर आपके आसपास प्लॉट है या प्लॉटिंग नहीं है तो हम लोग 9 इंच की वॉल लेते हैं आउटर वॉल। तो 9 इंच की वॉल मैंने अंदर की तरफ ले ली तो मेरा एरिया हर जगह से 18 इंच कम हो गया। ठीक है, ये मेरे कॉलम्स हैं। अगर आप इनको एज अ कॉलम शो करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर इनको ट्रिम कर लीजिए। अब आपने बोला कि मेरे को अपने घर का डिजाइन क्रिएट करना है, तो घर का डिजाइन क्रिएट करने के लिए बताइए क्या क्रिएट करना है आपको, क्या बनाना चाहते हैं आप, थोड़ा सा आइडिया दीजिए। 40 मैम, एक तो मैम मैं क्या मेरी स्क्रीन शेयर करके एक बार दिखा सकता हूँ जो मैंने क्रिएट किया है? जी 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 शेयर करिए। मैम ये तो 40x60 की जो आउटर वॉल थी वो हो गई, आउटर बाउंड्री। सर शेयर नहीं हुआ मुझे भी। हाँ हो गया, जी, ये तो ठीक है उसके बाद। आउटर बाउंड्री जो 60 की है। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे जो इनर बाउंड्री जहाँ पे घर या फिर किचन और रूम वगैरह बने हुए हैं वो वाला एरिया है ये। और यहाँ पे मैं एक पूजा घर है, यहाँ पे मेन गेट के लिए जो एंट्री गेट रहेगा वो यहाँ से रहेगा। यहाँ आपने पे रेड लाइन से ब्लू लाइन के बीच में कितना स्पेस दिया है? मैम मैं स्पेस नहीं दे पाया हूँ, मैंने अंदाजे से बनाया है क्योंकि वही मैं फुट और इंच में कंफ्यूज हूँ, इस कारण मैंने एक बार अंदाजे से बना दिया। देना चाहते हैं? मैम मैं 40 फुट का है तो मैं यहाँ पे 5 फुट का गैप देना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं इसका आधा 2.5 फुट का गैप देना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। तो सर मुझे बताएं कि आपने ये 5 फीट और 2.5 फीट का इतना लंबा जो पैसेज छोड़ा ये किस किस सर मतलब किस चीज को आपने ध्यान में रख के छोड़ा ये, क्या पर्पस है आपका? बिकॉज ऑफ दैट कि एक्चुअली आपका ये जो यहाँ तक का पोर्शन है ये तो मेरी पार्किंग के लिए रहेगा। 5 फीट कम नहीं है पार्किंग के लिए विथ कम कम तो है मैम। है सर? ऐसे बाइक पार्किंग है तो उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर कार पार्किंग करते हैं तो कम से कम इसे 8 फिट विथ इसका होना जरूरी है। आपने स्टार्टिंग में क्या मुझे थोड़ा प्लान समझा दीजिए फिर मैं इसको बनाने आपने इसमें बना के दिखाती हूँ। ब्लू लाइन में आइए, आपका मेन रूम के अंदर एंट्री हाँ कहाँ से है? रूम में एंट्री कहाँ से है आपकी? एक जी मैम, एक एंट्री तो यहाँ पे रहेगी, एक एंट्री तो इस लोकेशन पे अच्छा है ठीक है और जी। इसके जैसे इस लोकेशन के जस्ट साइड में सीढ़ियाँ रहेगी और एक यहाँ पे एक बार यहाँ पे एक किचन रहेगा छोटा सा, जी ये यहाँ पे सीढ़ियाँ रहेंगी। सीढ़ी के नीचे से एंट्री होगी आपकी साइड से। और नहीं एंट्री यहाँ से होगी, यहाँ से ठीक है मैं घर में एंट्री लेने के 2 दरवाजे हैं, एक तो मैं एक पूरब फ्रंट दिशा से डोर। यहाँ पे जो जी एक तो ये रहेगा, नहीं फ्रंट डोर तो यहाँ से रहेगा मैम। ये फ्रंट डोर नहीं होता सर, ये एंट्री होती है। तो ये एंट्री गेट एक तो यहाँ से रहेगा मैम, यहाँ से एंट्री ली तो एक तो एंट्री डोर ये रहेगा ईस्ट वाला और दूसरा मेरा यहाँ पे बरामदा बनते हुए यहाँ पे एक छोटा सा बना हुआ है तो यहाँ से भी मेरी एक एंट्री है ओके और यहाँ से और ये मेरा यहाँ पे ड्राइंग रूम हो गया और यहाँ पे मेरा एक किचन मेरा यहाँ पे है और एक किचन मेरा यहाँ पे है, 2 किचन है ओके और ये बीच का मेरा हॉल हो गया बैठने करने के लिए, एक कमरा ये हो गया, एक कमरा ये हो गया और ये पूजा घर हो गया। पूजा घर एकदम और बाहर से होगा? जी एकदम बाहर से इस वाले कॉर्नर पे। ओके मतलब और यहाँ पे इसका जो रूम ये से कोई गेट नहीं? जी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है आगे। और यहाँ पे काफी यहाँ और इस जगह को मैं ये जगह मेरी थोड़ी कम है
यहाँ तक। तो यहाँ तक का जो मेरा एरिया है एक तरीके से, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक का देखूँ तो ये मेरी कार पार्किंग हो जाएगी। यहाँ पे घुसते ही कार कार की एंट्री लेने के लिए जगह है और यहाँ पे पार्क होने के लिए जगह है। और ये जो ऊपर वाली यहाँ वाली जगह है ये मेरी खाली पड़ी हुई है। और सेम टू सेम मेरे इधर भी एक गली है जो खाली पड़ी हुई है। जी और एक अंदर यदि मैं रेशियो देखूं तो यहाँ पे जितनी लंबाई है जितनी चौड़ाई है उसकी आधी चौड़ाई यहाँ पे है। जी और ये बाहर की तरफ मेरे यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे वगैरह लगे हुए हैं तो बाइक पार्किंग की हल्की फुल्की जगह यहाँ पे है। ये सब प्लान आपके घर का बन चुका है? जी ये घर बना हुआ है तो उसी को जो फर्स्ट फ्लोर है वो इस तरीके से बना हुआ है फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर? ग्राउंड फ्लोर। ये बना हुआ है आपका? जी ये जब बनाया था उसका नक्शा आपने खुद बनाया था इसका? नहीं, मैं तो अब बैठ के आपने जो वर्क दिया तो मैंने कहा एक प्रैक्टिकल वर्क कर लिया जाए तो वही सोच सोच के बना रहा था। क्योंकि घर पे जो उन्होंने बताया कि भी 40x60 का अपना और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कमरे हैं तो वो तो मुझे पता है तो उसके अकॉर्डिंग मैं काम किए जा रहा था ताकि लेयर पे वर्क हो जाए मेरा और कुछ नया डाउट आए तो वो मैं सॉल्व कर पाऊँ। चलो ठीक है, यही प्लान को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। आपका जो प्लान है ठीक है, जी मैम ताकि आपको भी थोड़ा हेल्प मिल जाए कि कैसे काम करना है। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं अपनी। ये आपका प्लॉट साइज है, हम बात करेंगे। मुझे अभी आपका डायमेंशन क्लियर नहीं है कि डायमेंशन क्या लिया है, तो आपके डायमेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ पर आपका 5 फिट है, ऑफसेट ले लिया यहाँ पर हमने, तो हमें यहाँ पर जगह चाहिए थी एटलीस्ट, अगर कार पार्किंग है तो 8 फिट। ठीक है, ये 8 फिट आ गया। ऊपर जाके आपकी कार पार्किंग की जो लेंथ होनी चाहिए वो कम से कम होनी चाहिए 14 फिट, 12 फिट से ऊपर होनी चाहिए हम लोग की, ताकि हमें पार्किंग में दिक्कत ना आए। तो मैं एग्जैक्ट 12 फिट ले लेती हूँ। ठीक है, ये 12 फिट, तो अभी हम इसको 12 फिट में, मेरा काफी स्पेस बच रहा है तो मैं इसको 14 फिट ही करूंगी। ठीक है, ये मेरा 14 फिट है, ट्रिम कर लिया मैंने यहाँ पर इसको, ये रहा 14 फिट मैंने इसलिए, ताकि आपको समझ आए कि यहाँ तक मेरी कार पार्क है। इसके बाद आपका जो पार्किंग है वो वाइड की जगह थोड़ा नैरो हो रहा है। ट्रिम दोबारा से हम जी। कर लेते हैं यहाँ पर, ट्रिम मैंने कर लिया, फिर मैं ऑफसेट दूंगी इसको, जो आपने मुझे बताया कि 5 फिट है, तो उसको हमने 5 फिट कर लिया। 5 फिट में मेरा ये आ गया, फिर मैं इसको अगेन ट्रिम करूंगी यहाँ पर। ये देखिए, ये मेरा ट्रिम हो गया। ठीक है, अब ट्रिम होने के बाद ये मेरी कार पार्किंग, देन मेरी बाइक पार्किंग। पीछे आपने बोला कि आपका पूजा घर है, तो फिर हम ऑफसेट ले लेते हैं। पूजा घर हमारा करीब करीब 6 फिट लंबा हो सकता है, क्योंकि स्पेस आपके पास बहुत है, तो अदरवाइज ये स्पेस आपका यूजलेस हो जाएगा, तो हम 6 फीट या 7 फीट के आसपास पूजा घर को ले सकते हैं। लेकिन आप एक चीज कर सकते थे इसमें सर, आप जी जैसे ये बनाया था आपका, तो आप पूजा घर का जो आपका था, पूजा घर आपका आगे शिफ्ट हो जाता, ये रूम की वॉल को आप यहाँ से एक्सटेंड कर सकते थे, तो ये जो आपका बॉक्स बनता है ये आपका वुडन अलमीरा में काम आ जाता, तो आपको रूम को एक स्पेस मिल जाता। जी चलो आपके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ले लेती हूँ आपका 6 फीट का स्पेस पूजा घर के लिए। इंटरसेक्शन हमारा ऑन नहीं है, तो पहले मुझे इंटरसेक्शन ऑन करना पड़ेगा अपना। इंटरसेक्शन यहां से 6 फीट नीचे और 6 फीट, और यहां से मैंने इसको एग्जिट कर दिया। TR डबल एंटर,
अब मेरा ऑफसेट जाएगा बाहर की तरफ, क्योंकि मुझे बाहर लेने में कोई दिक्कत नहीं है रूम पूजा घर का, ठीक है। अब मेरी वॉल जाएंगे अंदर की तरफ, ऑफसेट सारी, ऑफसेट 4.5 में यहाँ पर लूंगी, 9 इंच की जगह अब ये 4.5, देन 4.5, देन 4.5। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे फिलेट, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, 0। ये मेरा वॉल हो गया। ट्रिम कमांड यहाँ पर लेते हैं हम, अब यहां से आपने लिया था कि आपका फ्रंट का स्पेस भी हो, और फ्रंट का स्पेस आपने कितना लिया था सर, आप बता सकते हैं एक बार? 5 फीट जी, 5 फीट का ही कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम 5 फीट ले लेते हैं आपका स्पेस, और यहां से आपने लिया था 2.5 फीट, तो बहुत ही कम हो गए। पांच कर दीजिए मैम, 5 फीट ले लिया, ऑफसेट ले लिया इसका 4.5 हमारा रहेगा वॉल, अगेन ट्रिम कमांड, इस तरह से। अब यहाँ पर आपका कुछ आपने बोला वरामदा टाइप में है, जिससे कि आपकी एंट्री है, तो वरामदे के लिए हमें कम से कम 3 फीट से ऊपर का जगह चाहिए, तो यहाँ पर मैं सपोर्ट अच्छा होना चाहिए ताकि आप प्रॉपरली स्टैंड कर सकें एक से ज्यादा दो लोग, तो मैं 4 फीट का स्पेस ले रही हूँ। और 4 फीट का स्पेस लेने के बाद इसकी लेंथ कम से कम 6 फीट की या 5 फीट के आसपास होनी चाहिए, तो यहाँ पर मैंने ले लिया 6 फीट। मैं देखती हूँ मेरे रूम का क्या साइज बनता है, 6 फीट ठीक है। ट्रिम ठीक है, TR डबल एंडर, क्योंकि यहाँ पर मेरी वॉल नहीं हो सकती अगर मेरा यहाँ पर बरामदा है, तो इसको हम सिंगल लाइन पे शो करेंगे। क्योंकि ये आपका रोड लेवल है, दिस इज अ रोड लेवल, और ये आपका थोड़ा सा इसका प्लेंथ आपका ऊपर की तरफ उठेगा, तो जब आप इस पे आएंगे, इस पोजीशन पे आपको आना होगा, तो यहाँ पर आपकी स्टेयर होनी चाहिए एक या दो स्टेप, अगर आपने प्लेंथ लेवल उठाया है तो। अब इसके बाद आपका बना यहाँ पर रूम, अब यहाँ से हमारा रूम में एंट्री है, तो पहले हम डोर बनाने की कोशिश करते हैं, तो डोर के लिए हमने हमारा 3 फीट का स्पेस है, 3 फीट आप 3.5 भी ले सकते हैं, क्योंकि मेन डोर में आता है आपका, और 3 फीट आपका यहाँ से आगे की तरफ होगा 3 फीट, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि डोर बनाने के लिए पहले आपको ऑफसेट लेना होगा 3 इंच, देन के लिए हमने यूज करना है आपका आर्क, आप सर्कल भी यूज कर सकते हैं, सर्कल भी बता दूंगी कैसे यूज करना है आपको, TR डबल एंटर, देखो सर्कल कैसे यूज कर सकते हैं आप, सर्कल का ये पॉइंट पिक करेंगे और सीधा ये पॉइंट पिक करेंगे, बाकी आपका ट्रिम हो जाएगा। अब एक हमने डोर बना लिया, कॉपी कर लिया डोर का हमने, और इसको मैंने बना लिया ब्लॉक इवन, पिक पॉइंट लेना मेरे लिए जरूरी है, ओके। अब ये मेरा डोर हो गया, डोर से मेरी एंट्री सीधा हॉल पे, तो हॉल मेरा किस साइज का है ये देखना बहुत जरूरी है, तो ये 6 फीट से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरी एंट्री रूम के अंदर डायरेक्ट है तो मेरा रूम करीब करीब इसके आसपास होगा, तो पहले हम इसका डायमेंशन चेक कर लेते हैं।
नहीं नहीं अभी अक्षिता ने क्लास ज्वाइन नहीं किया। अभी नहीं किया ज्वाइन, करती तो मैं बताती हूँ उसको कि आपको कॉल करना, ठीक है? अभी अक्षिता को देती हूँ फोन। अक्षिता कॉल लो अपना फटाफट। जो होना चाहिए वो 12 फीट के आसपास होना चाहिए, तो मैं यहाँ से ऑफ लूंगी सीधा 12 फीट ऑफ से, यहाँ पर 4.5 ऑफ से 4.5 मैं बाहर लेना चाहती हूँ अंदर, क्योंकि अगर मुझे अंदर 12 फीट एग्जिट चाहिए तो मुझे यहाँ पर लेना होगा, फिर के अंदर मुझे लेना होगा, तो मैं बाहर की तरफ ले लेती हूँ उसको। तो अब यहाँ पर देखिए जो डोर की पोजीशन है वो आपकी पीछे होनी चाहिए, तो आपका जो बरामदा जाएगा वो फिर इस हिसाब से इतना लंबा जाएगा। ये एक डबल एंटर फॉर एक्सटेंड, एक्सटेंड मुझे क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये लाइन मेरा कंपेयर टू छोटा हो गया। ये डबल एंटर अगेन, तो ये मैंने डोर क्रिएट कर दिया। डोर में मेरा थोड़ा सा कुछ, ये डबल एंटर अगेन, ये मेरा होगा डिलीट। ये रूम साइज, अब रूम का विड्थ कितना लिया है वो हम देख लेते हैं, अभी कितना हम ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया ऑफसेट अगेन 4.5। अब रूम मेरा 12 है, 12 मेरा ड्राइंग रूम है, तो क्योंकि मेरे पास स्पेस काफी ज्यादा है तो मैं 12x14 का रूम भी ले सकती हूँ, 12x12 का भी ले सकती हूँ। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 12x13 ऑफसेट बाहर की तरफ, अंदर की तरफ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैं बाहर की तरफ ले रही हूँ। तो मेरा रूम का एग्जैक्ट साइज है 12x13। फिर मेरा यहाँ पर रूम आता है, इसका साइज में कितना लेना चाहूंगी, इसी के पैलर करना चाहती हूँ, तो फिर मैं इसको कर दिया एक्सटेंड। पैलर रूम बन गया। पीछे का रूम अब हम क्रिएट करते हैं, पीछे का रूम का साइज मेरा कितना है, अगर मैं पीछे का रूम लेती हूँ आपका, क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत ज्यादा है, 15 फीट का मैं बेडरूम लेती हूँ यहाँ से 15 फीट, तो यहाँ पर देखिए मेरा हॉल का साइज बहुत ज्यादा बनेगा। तो हॉल में अगर मेजरमेंट लेके चलूँ तो मेरा हॉल कितना है, करीब करीब मेरा हॉल होगा 24 फीट। हो सकता है कि यहाँ पर आपका ड्राइंग रूम का साइज बड़ा हो। अब मैं यहाँ पर ऑफसेट ले लेती हूँ 4.5, और आपके कंपेयर दिस रूम की जो लेंथ है वो अलग है, स्टेम ट्रेम इसको मैंने मूव किया थोड़ा नीचे की तरफ, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर डोर की साइज है 3 फीट के आसपास आपका डोर रहेगा। अब हम डोर की प्लेसमेंट करके देखते हैं एक बार, कॉपी ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिया ट्रिम कमांड अगेन, इस डोर का मेरी एंट्री कहाँ से है, शायद इस साइड से होनी चाहिए, तो फिर मैंने अगेन डोर का किया मिरर,
अपडेट। सीधा से पिक किया यहाँ पर, मूव एंड टू एंड और सीधा प्लेस किया, ट्रिम कमांड, डोर की पोजीशन बन गई। फिर मैंने डोर अगेन कॉपी किया और यहाँ पर मंदी की जगह पे लगा दिया, टी आर डबल एंटर। अब ये ओपन है क्या है वो आपके ऊपर है कि अगर आपको मंदिर को ओपन करना है एक आर्च देके तो आप इसको एक आर्च बना सकते हैं, जो जनरली हम लोग किचन में यूज करते हैं, वो भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इस तरह से हम लोग आर्च दिखा सकते हैं अगर हमारी कुछ कटिंग्स हैं विदाउट डोर। और फिर आपका यहाँ पर ये पूरा लिविंग रूम है, यहाँ पर आपका किचन था, किचन का विड्थ कितना देना है पहले मैं इसका डायमेंशन देख लेती हूँ, 9 feet, तो किचन यहाँ पर ले लेते हम 7 feet, अगेन ऑफसेट 7 feet, ट्रिम 7 feet के बाद हमारा यहाँ पर स्ट्रेकेस आएगा। स्ट्रेकेस के लिए मुझे कम से कम 6-6.5 feet की जगह चाहिए और फिर हमारा एंट्री है, तो एंट्री के लिए मुझे 3 feet से ज्यादा की जगह चाहिए, तो मैं ऑफसेट ले लेती हूँ पहले एंट्री का 4 feet की जगह, क्योंकि 3 feet का तो हमारा डोर ही होता है 4 feet। फिर यहाँ से ऑफसेट ले लिया मैंने 6.5 feet, ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रेकेस और ये बाकी जो बचा वो मेरा मैं किचन के लिए यूज कर सकती हूँ। ऑफसेट 4.5। अब किचन में आपको ओपन किचन बनाना है तो वो आपके ऊपर है, ये आपका स्ट्रेकेस और ये आपकी एंट्री, तो एंट्री के लिए हम यहां से कटआउट कर देते हैं और यहाँ पर डोर भी लगा सकते हैं, तो अभी मैं सिर्फ आपको कटआउट करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ये आपकी एंट्री हो गई और यहाँ पर आपके स्ट्रेकेस, स्ट्रेकेस के लिए हमने यहाँ पर ऑफसेट ले लिया 4.5। स्ट्रेकेस हमेशा अब आपको अंदर से दिखानी है स्ट्रेकेस या बाहर से दिखानी है, बाहर से अंदर की तरफ जा रही है अंदर से, तो मैं अंदर से दिखा देती हूँ इसको। लाइन ले लेते हैं यहाँ पर हम पहले। स्ट्रेकेस में इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपका हाइट कितना है, जो भी आपका बिल्डिंग जा रहा है तो बिल्डिंग का हाइट के ऊपर ही हमारा डिपेंड करता है स्ट्रेकेस। तो मेरा हाइट 10 feet हम लोग बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं यहाँ पर, हम क्या कर रहे थे हम लोग, लाइन यहाँ से हमने ले लिया। मैम यहाँ पे लेयर का भी ध्यान रखना पड़ेगा साथ में। जी 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 जी, मैं लेयर मैं भी कन्वर्ट कर लूंगी सारा, तो यहाँ पर मैंने सेंटर टू सेंटर एक लाइन लिया। एक बेसिक चीज पूछना है। जी पूछिए सर। कोई भी ड्राइंग का लेयर मतलब पूरा ड्राइंग बना के उसके बाद लेयर में कन्वर्ट करना नहीं, चाहिए? नहीं, आपको पहले ही लेयर बनानी चाहिए। मैं लेयर बना देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं इनकी ड्राइंग में मेरा ध्यान चला गया था, मैंने लेयर पे ध्यान ही नहीं दिया। तो यहाँ पर हम वॉल ले लेते हैं, वॉल फॉर एक्सटीरियर, ये मेरी मेन वॉल है, यहाँ पर हम रीनेम कर लेते हैं, ये वॉल फॉर इंटीरियर INT लिख लेती हूँ, और उसके बाद मैं वॉल दे रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद मैंने बनाया यहाँ पर विंडो। अब ये इतनी चीजें मैं क्रिएट कर चुकी हूँ ना ऑलरेडी, तो उनकी मैं लेयर क्रिएट कर लेती हूँ और यहाँ पर मैंने दे दिया डोर। अभी हमने सब इसमें काम किया है ना, DR1, ठीक है, DR1 इसलिए क्योंकि मेरा डोर रूम का अलग रहेगा और एंट्री डोर मेरा अलग रहेगा, DR2,
अब देखिए, अब मैं किसी का कलर, मुझे कलर चेंज करना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर मैंने किया रेड कलर, यहाँ पर मैंने अगेन किया, ये सब सेम है। अब आ जाते हैं पूरे प्लान को कन्वर्ट कर देते हैं वॉल पे, ठीक है, पूरा प्लान कन्वर्ट हो गया। अब आ जाते हैं इसकी इंटीरियर वॉल, समझ आ रहा आपको, इंटीरियर वॉल रेड कलर। चाहे तो आप इंटीरियर वॉल का कलर थोड़ा चेंज कर दो, जिससे कि आपको थोड़ा समझ आए कि इंटीरियर वॉल का कलर अलग है। अब मेरे सारे डोर चेंज होंगे डोर कैटेगरी में, DR2। इसके बाद मैंने यहाँ पर दे दिया ओपनिंग, ओपनिंग का कलर मैंने ले लिया, ओपनिंग मेरी क्या है, अभी हम लोगों ने जो लास्ट क्लास से बनाया था बाय डिफॉल्ट वो मेरा डिलीट हो गया, रीजन कि मेरा लैपटॉप शटडाउन हो गया था, हमने फाइल सेव नहीं किया था। अभी मैं जब आपको बना के दिखा रही थी तो आप लोगों को क्लियर हो रही थी चीजें? यस मैम, मुझे तो हो रही थी। कि किस तरह से ऑफसेट यूज कर रहे हैं, किस तरह से ट्रिम कर रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार डायमेंशन फाइंड आउट नहीं कर रही हूँ कि मुझे कितना जाना है कितना आना है। जी, हमें काम ऑफसेट से होगा, अदरवाइज हम डायमेंशन निकालते रहेंगे और हमें उसके अकॉर्डिंग हमें फाइल देखना होगा कि लेंथ कितना होना चाहिए, तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्टीज है। ओके मैम।
क्लियर हुआ कि क्या होना चाहिए काम में, कैसे काम करना है आप लोगों को सभी को? यस मैम, यस मैम। बस मैंने वहां पर एक मिस्टेक किया था कि मैंने लेयर पहले से कन्वर्ट नहीं किया, तो प्लीज आप लोग लेयर कन्वर्ट करके काम करेंगे। मैं एक छोटा सा रूम फिर भी आपको बना के दिखा रही हूँ। अब मुझे पता कि मुझे, हाँ मैम पूछ रहा हूँ, कोई भी ड्राइंग में मतलब जो जो मतलब जिस जिस लेयर में जो जो होगा, पहले लेयर क्रिएट करके उसके बाद वो चीज ड्राइंग करना चाहिए क्या? ये बिल्कुल सर, वही सही तरीका है। अब देखिए, मुझे एक प्ले स्कूल बनाना है, तो मुझे प्ले स्कूल की मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है? मुझे वॉल चाहिए, प्ले ग्राउंड चाहिए, ठीक है, डोर होने चाहिए, विंडोज होने चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, ठीक है, किड्स टेबल होनी चाहिए, किड्स चेयर्स होनी चाहिए। समझ आ रहा है मेरे माइंड में जो जो है? अब मैं वो जो क्रिएट करूंगी तो उनकी मेरी लेयर पहले बनी होनी चाहिए। मैं छोटा सा आपको फिर भी डिजाइन बना के दिखाती हूँ, जिससे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब मैं एक किचन का लेआउट बना रही हूँ, सिंपल एक किचन, क्लियर? तो किचन में मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए? वॉल। तो मैं सबसे पहले लेयर में क्लिक करूंगी वॉल। मैं वॉल को क्लिक करने के बाद वॉल बना सकती हूँ, लेकिन मुझे पता कि मैं काम करूंगी तो मेरा काउंटर भी होना चाहिए, ठीक है। काउंटर के बाद मैंने बोला मेरा सिंक भी होना चाहिए, सिंक के बाद मेरी हॉब भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेरे माइंड में है कि एक किचन में मुझे ये सब की है। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, रेफ्रिजरेटर है, ओवन है, आपका ड्रॉर है, तो इतना मेरे कीप इन माइंड मैंने रखा है अपने। अब मैं डिजाइन क्रिएट कर रही हूँ, मैं अपने घर का ही किचन बना लेती हूँ यहाँ पर। इलेवन फिट यहां से मेरा है 7.6 इंच। ओ सॉरी, ये कुछ और ले लिया मैंने, 7 फीट बाई 6 इंच होना था। अब जब मैंने किया, मुझे लेयर को एक्टिवेट करना होगा, और लेयर को एक्टिवेट करने के लिए मैं लेयर में थोड़ा कलर वेरिएशन लेके आ जाती हूँ। ग्रीन लाइन यहाँ पर मेरा 7 फीट बाय 6 इंच, 7 फीट बाय 6, ऑफसेट आएगा यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर मुझे बनाना है, दिस इज माई वॉल, दिस इज माई वॉल एंड दिस इज माई वॉल, ठीक। अब मैंने यहाँ पर, मेरा ओपन किचन है तो मैं इसको यहाँ से कट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर मेरा कम 3 फीट आगे आएगा, ये 3 फीट जाएगा कट। डबल एंटर, वेरी ओपन। रेफ्रिजरेटर का साइज हमारा 3 लेता है, ठीक है, 5-6 इंच का होता है हमारा डबल डोर, तो उसको आप 3 फीट के आसपास ले, ताकि एयर हीट पास हो सके, आपका अंदर ही आपका पोजीशन होगी। इसके बाद ये मैंने बना लिया, देन मेरा है काउंटर। काउंटर मेरा होता है 2 फीट 6 इंच का, ऑफसेट 2 फीट 6 इंच। अब देखो, मैंने 2 फीट 6 इंच तो वैल्यू ले ली, लेकिन मैंने अपनी वॉल चेंज नहीं की, तो यहाँ पर मुझे इंच करना होगा पहले काउंटर, और ऑफसेट की वैल्यू 2 फीट 6 इंच लेना होगा, ऑफसेट 2 फीट 6 इंच, और यहां से मुझे देना होगा ये। लेकिन ये काउंटर में मेरा ये वॉल पे ही आया है, इसका मतलब मेरा लेयर चेंज नहीं हुआ। मेरा थोड़ा अंदर से है 2 फिट 6 इंच, और यहां से मेरा इसको मैंने, अब मैंने किया टी आर डबल एंटर,
मैंने लिया ऑफसेट 2 फिट 6 इंच, ठीक है, और यहाँ से भी 2 फिट 6 इंच, ट्रिम किया, डबल एंटर। अब ये देखिए, क्योंकि मैंने ऑफसेट लिया, इसको मैंने कन्वर्ट किया काउंटर में सीधा, टीआर डबल एंटर, 2 फिट 6 इंच ज्यादा हो गया, ये आपका होना चाहिए ऑफसेट 6 इंच कम। फिल इट, टीआर डबल एंटर, अब यहां पर मेरा रहेगा अगेन, ये भी काउंटर ही है लेकिन फ्लैट, तो ये चीजें मैंने रख दी। अब इसके बाद मेरा हॉप कहां पर लगा है, तो वापस हम आएंगे हॉप पे और वो मेरा रहेगा इस साइड, ठीक है, इसको मैं क्रॉस करके दिखा देती हूँ आपको। फिर स्पेस सॉलिड, अगेन हैच के अंदर ही हूँ और हैच कमांड लूंगी और वॉल पे मैं यहाँ पर स्केल में चेंज कर सकता, स्केल प्रॉपर्टी, हंड्रेड छोटा है तो ये आपको देखना होगा कि आपका कौन सा हैच किस स्केल पे आ रहा है, तो ये इसके अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, तो अगेन हम हैच कमांड लेंगे और यहां से देखेंगे कौन सा स्केल मुझे चाहिए यहां पर। एंगल रहेगा 90 डिग्री, 45, 30, स्केल 0.5, 0.5, नहीं 0.5 से नीचे नहीं आ रहा, 2 में ज्यादा हो जाएगा ये, 1,
ये मैं इसलिए चेंज कर रही हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर डिस्कनेक्ट ड्यू दिखा रहा है ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कौन सा आपको यूज करना है। अगर दूसरा चेंज करना है तो उसको भी हम देख लेते हैं। फाइव के बाद इसको यूज करते हैं यहाँ पर 10, ये भी ज्यादा है, एक बहुत ज्यादा हो गया 25 पे ही सारा मेरा मैच रहेगा। तो जो मैंने यहाँ पर मेरा ओपन किचन है तो मैं इसको यहाँ से ओपनिंग दिखा सकती हूँ। ओपनिंग के लिए मैंने कुछ यहाँ पर टाइप नहीं किया, तो आप इसको लेयर में ओपनिंग डाल सकते हो। ओपनिंग अब आप किसी भी लेयर पे जाके वॉल को हाइड करना है, वॉल हाइड हो गया, ओपन श्रिंक ओपनिंग हॉप हैच, सारी हैच एक साथ जाएंगी एंड काउंटर। और रेफ्रिजरेटर का मैंने नहीं बनाया तो आप रेफ्रिजरेटर का ही बना सकते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? यस मैम, यस मैम। होपली अब आपको लेयर में डाउट नहीं होना चाहिए। यस मैम। ठीक है, तो आप आज आप पूरा प्रैक्टिस करिए, कोई भी एक प्लान देखिए जो आप प्रॉपरली लेयर में बना सकते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम नहीं बनाएंगे आप, जैसे कि ये सिंगल लाइन डायग्राम्स होते हैं, हमें डबल लाइन डायग्राम बनाने। डबल लाइन में मतलब कि दो वॉल आपको दिख रही है इस तरह से, तो ये जो भी आप चीजें हैं वो बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि उसमें आप फर्नीचर रखना चाहते हैं, जैसे बेड रखना चाहते हैं, सोफा रखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो आप नहीं क्रिएट करना चाहते, तो आप क्या करेंगे, डीसी एंटर करेंगे डिजाइन सेंटर। ठीक है, ये डिजाइन सेंटर होता है हमारा, इसमें होम कैटेगरी में आ जाएंगे, EN-US डिजाइन सेंटर। डिजाइन सेंटर में हमारे पास ऑलरेडी डिजाइन कुछ क्रिएट है, फॉर एग्जाम्पल हाउस होम, तो मैंने होम पे क्लिक किया, ब्लॉक क्योंकि सबके ब्लॉक बने, बेड यहाँ से उठाएंगे ड्रैग एंड ड्रॉप, चेयर यहाँ से उठाएंगे ड्रैग एंड ड्रॉप, और आपको जो जो यहाँ पर चाहिए टेबल स्क्वायर, ये टेबल रेक्टेंगल उठाएंगे ड्रैग एंड ड्रॉप, सोफा ड्रैग एंड ड्रॉप। अब यहाँ पर जैसे कि मैं उठा लेती हूँ किचन लेआउट, ठीक है, मैं बैक गई वापस, बैक गई किचन ड्रॉइंग से रिलेटेड मैंने कुछ ब्लॉक उठा लिए, जैसे मैंने उठा लिया यहाँ पर ओवन उठा लिया मैंने यहाँ पर, और शेंक तो मेरे को डबल नहीं चाहिए, सिंगल चाहिए, माइक्रोवेव उठा लिया, तो ये माइक्रोवेव देखो फ्रंट व्यू है तो मैं इसको यूज नहीं कर सकती, ठीक है, और डिश वॉशर टॉप व्यू है तो ये उठा लिया मैंने। अब ये दो चीज मैंने ले ली, डीसी एंटर। अब मुझे इसे अपने किचन में शिफ्ट करना है, तो किचन का डायमेंशन के अकॉर्डिंग ये शिफ्ट होना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं डिश वॉशर यूज करना चाहती हूँ तो यहाँ से मैं शिंक हटा के यहाँ पर मेरा सपोज डिश वॉशर रहेगा, यहाँ पर रख लेते हैं अभी फ्रिज की जगह पर डिश वॉशर हम, ठीक है, तो मैंने यहाँ से उठाया मूव किया और तो बंद किया यहाँ से, तो ये रखा, पहले से किया रोटेट और तो अगेन ऑन किया, मूव किया, ठीक है, मूव करने के बाद इसको मैं देख रही हूँ पोजीशन इसकी ठीक है या नहीं है। अगर ये मेरे किचन में बड़ा है तो मैं क्या करूंगी, स्केल कमांड SC एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, सेंटर पिक कर लो इसका, कितना आपको ऑफसेट चाहिए, कितना स्केल
डाउन करना है, 0.8 मूव। तो अब मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब मेरा कोई ज्यादा स्पेस ही कंज्यूम नहीं कर रहा है। अब इसके बाद मुझे यहां पर रखना है यहां पर, अगेन स्केल कमांड, सेंटर 0.7 मूव। जहां भी आप इसको मूव करना है थोड़ा सा वॉल से हटके रखना है, या आप इसको इस कॉर्नर पे भी रख सकते हैं। इस कॉर्नर पे कर रखेंगे तो आपको यूज करना होगा इसका एंगल। अब ये मैंने हैश लेयर पे किया है, तो इसको आप हॉप लेयर में डालना चाहते हैं, इसको आप डिश वॉशर को किस लेयर में डालना चाहते हैं, अगर वो लेयर बना है तो आप उसको उसमें डाल सकते हैं, या फिर आप इनका अलग अलग लेयर मत बनाइए, क्योंकि हम लोग इतनी छोटी छोटी चीजों का लेयर नहीं बनाते। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ही लेयर बना देंगे किचन आइटम्स। ठीक है, यहाँ पर मैं बना देती हूँ किचन अप्लायंस कर सकते हैं। ठीक है, किचन अप्लायंस में मैंने कलर कर दिया लाइट येलो, अप्लायंस में सारी चीजें आती हैं किचन अप्लायंस में, और सेलेक्ट किचन अप्लायंस, सेलेक्ट किचन अप्लायंस, और सेलेक्ट किचन अप्लायंस। ये देखिए, तो डीसी से आपके पास काफी चीजें हैं जो आपको क्रिएट नहीं करनी है, बस उनका स्केल अप एंड स्केल डाउन करना है। अब सेम फॉर फर्नीचर, आप इनका भी स्केल डाउन स्केल अप करेंगे, इनका भी इसका भी, छोटा है ये बहुत बड़ा है, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप स्केल में ये भी कर सकते हैं, सी एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर बेस पॉइंट पकड़ा इसका, हेलो हेलो, हाँ सर, क्लियर है आप लोगों को? मैडम ये ऑटोकैड एलटी में भी अवेलेबल है क्या, डीसी एंटर वाला? सर मैंने बोला ना, मैंने एलटी वर्जन यूज नहीं किया, मैं नहीं बता पाऊंगी डीसी उसमें है या नहीं है। यहाँ पे डीसी में दिखा रहा है एड सेंटर, ये सेम है क्या? क्या दिखाया सर? एड सेंटर, स्क्रीन शेयर करिए सर, हो सकता है सेम हो, आप स्क्रीन शेयर करिए एक बार। ये वाला दिखा रहा है। हाँ सर ये है तो सर, ENUS, ENUS। अच्छा डिजाइन सेंटर, हाँ डबल क्लिक, डबल क्लिक करिए सर। हाँ ये आ तो रहा है, इसमें प्लांट्स है, ब्लॉक कोलिन का। ठीक है मैडम, ठीक है, तो आप प्लीज अपना इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप लोग का जो भी टाइम शेड्यूल होगा तो एक बार कैलाश सर का नंबर है आप लोगों के पास? हाँ है, एक्चुअली कल बात हुआ था उनसे, वो इनका बात हुआ था, मेरे साथ बात हुआ था शोविक। आपका नाम सर? शोविक के साथ जी, शोविक। हाँ, तो मैंने उनको बताया था कि एक बार मतलब सबके साथ डिस्कस करना है कि टाइम सबको एक एक्सेप्टेबल टाइम हो उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है मैडम, तो हम लोग अपने इंटरनल डिस्कस करके कैलाश जी को बता देंगे, मुझे कोई इशू नहीं है। हाँ, आप कोई भी टाइम ले लीजिए, मुझे कोई इशू नहीं है, बस वही है कि मेरा 8:30 से क्लास स्टार्ट होता है, 12:30 लास्ट होता है, तो एक दो दिन तो मैं स्किप कर सकती हूँ, बट डेली नहीं कर पाऊंगी ना, 3 डेज। अभी तक तो बच्चों के स्कूल खुले नहीं थे, तो आप लोगों को भी पता होगा, तो कोई इश्यू नहीं था।
लेकिन अब स्कूल ओपन हो, नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो फिर मैं स्किप नहीं कर सकती इतना। अच्छा क्लास ही मैंने स्किप कर दिया उनका, तो आप प्लीज अपना एक शेड्यूल बना के मुझे या सर को बता दीजिएगा या मुझे बता दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कैलाश जी को इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू, ओके बाय बाय सर। प्लीज प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, आप सभी लोग प्रैक्टिस करिएगा। बाय बाय। If you like this video, please subscribe our YouTube channel and press the bell icon. This is our YouTube channel, Gemini Architecture, and these are the videos. All videos, suppose you want to learn AutoCAD, Dialogs, 3ds Max, SolidWorks, Revit, Rhinoceros, Grasshopper, as well as lot of software tutorial in this YouTube channel. And please subscribe to this channel and press the bell icon for latest information about new videos. And this is our website, japaneearchitecture.com. And these are the courses we provide training on these softwares.